हेलो फ्रेंड्स, जेके गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे हरा भरा चीज़ी बॉल्स बनाएंगे। इसे हरा भरा चीज़ी बॉल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सारी मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, ये बॉल बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। हरा भरा चीज़ी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को बॉईल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल जितना पालक लिया है और इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब पालक को हम गर्म पानी में इस तरह ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम करीबन पालक को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पालक अच्छे से बॉईल होके रेडी हो गई है, तो इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने बाउल में आइस क्यूब वाला पानी लिया है, पालक को हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आइस क्यूब वाला पानी इसीलिए इस्तेमाल करना है ताकि जो हमारा पालक का रंग है वो वैसे का वैसा ही रहे। अब नेक्स्ट हम पैन में 1 चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे, आधा चम्मच जितना जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगे उसमें हम 2 चम्मच जितने रफली कट कैप्सिकम ऐड करेंगे, 2 चम्मच जितनी फ्रेंच बीन्स, 2 से 3 चम्मच जितने बॉयल मटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 रफली कट चिली ऐड करेंगे और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और इसे हम करीबन 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो गए हैं, तो इसको हम डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। नेक्स्ट हम मिक्सर जार में हमने जो वेजिटेबल्स को सौते करके रेडी किया था वो ऐड करेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच जितनी बारीक कट की हुई हरी धनिया ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो पालक को बॉईल करके रेडी किया था वो इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसकी हम एक फाइन प्योरी बना के रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके मैश करके लिया है। अब इसमें 2 चम्मच जितना ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। यहाँ पे पनीर ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 2 चम्मच जितना बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच जितना क्रश किया हुआ पोहा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे पोहे को मिक्सचर जार में क्रश करके लिया है। अगर आपके पास पोहा नहीं है तो यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहा की जगह आप यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जितना रेड कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप आधा चम्मच जितना लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच जितना धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और आधा चम्मच जितना गरम मसाला। अब यहाँ पे हमने जो पेस्ट बना के रेडी की थी वो ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ पे हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम इसको करीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण अच्छे से सेट हो गया है। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ क्यूब के छोटे छोटे टुकड़े बना के रेडी किया है। और बॉल्स को रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे पोहा को क्रश करके लिया है। अगर आपके पास पोहा नहीं है तो यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह छोटी सी टिक्की बना लेंगे और इसमें हम छोटा सा चीज़ क्यूब का टुकड़ा स्टॉप करेंगे। और इसका हम एक राउंड बॉल बना लेंगे। और इसे हम क्रश किए हुए पोहे में रोल कर लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे सभी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इसी स्टेज पे हमारा ऑयल मीडियम हॉट ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब बॉल को हम इसमें रख देंगे। और यहाँ पे हम बॉल्स को करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम बॉल्स को इस तरह हल्के हाथ से पलट लेंगे ताकि हमारे बॉल सभी और अच्छे से फ्राई होके रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे बॉल्स अच्छे से फ्राई होके रेडी है, तो इसको हम डिश में ट्रांसफर कर लेंगे। और इसी तरह हम नेक्स्ट बैच को भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी ली है, जो हम सैंडविच में बनाते वो ही ली है, और आधा कप जितना दही लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच जितनी चटनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम चीज़ बॉल के लिए ये डीप बना रहे हैं, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ये डीप बनाया है, इसे आप तंदूरी पनीर टिक्का के साथ भी सर्व कर सकते हैं और हरा भरा कबाब के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हरा भरा चीज़ी बॉल्स बनके रेडी है। तो है ना कितना आसान घर पे बनाना है ये चीज़ी बॉल्स। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट बिल्कुल हरा भरा कबाब जैसा ही आता है और ये चटनी के साथ ये बॉल्स बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स कितने चीज़ी बने हैं। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आप इस बॉल को एज अ स्टार्टर के रूप में और सूप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बॉल्स बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी लगते हैं, तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।